अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंबोडिया का लाइव नंबर लेके दिखाऊंगा आपके व्हाट्सएप अकाउंट के लिए बड़े ही आसान मेथड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ, जो नंबर मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके, ये रहा जी कंबोडिया का नंबर जो कि ऑलरेडी मेरे पास चल रहा है। आज एक न्यू कंबोडिया का नंबर लेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको और नंबर भी चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्टिल मेरे पास एक वियतनाम का चल रहा है, दो मेरे पास यूएसए के नंबर चल रहे हैं बड़े ही नॉर्मल तरीके से। आप भी किसी भी कंट्री का नंबर ले सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको एक वेबसाइट विजिट करनी है। फ्री वाले जो ट्रिक्स हैं वो टेम्परेरी हैं और वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही, इसीलिए करके फ्री वाली ट्रिक नहीं बता रहा। 5sim.net बहुत चीप वेबसाइट है, बड़े सस्ते रेट में आपको यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट पर बैलेंस ऐड करवाना है, अकाउंट बनाना है या कुछ भी करना है, तो उसका पूरा डिटेल वीडियो मैं दो बना के रखा हूँ, आप वो देख सकते हैं जाके। यहाँ पे मैं कंबोडिया चूज़ कर रहा हूँ अगेन, और इस वेबसाइट से आज फिर मैं कंबोडिया का नंबर लेके आपको चेकआउट करवाऊँगा। कंबोडिया ऊपर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और नीचे सर्विसेज की लिस्ट आ जाती हैं कि कौन सी सर्विस के लिए आपको नंबर चाहिए, कंबोडिया का या किसी भी कंट्री का। तो नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे लिखा होगा व्हाट्सएप और उसके आगे उसका रेट भी मेंशन होगा। यहाँ पे देखें, मैं बाय पे क्लिक कर दिया व्हाट्सएप पे क्लिक करके। अभी कुछ सेकेंड में ये देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली परचेज लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे वो उन्होंने शो करवा दिया कंबोडिया का नंबर और उसकी प्राइस भी शो करवा दी है। सिंपल आपने यहाँ से नंबर को कॉपी करना है, जो भी नंबर आपने लेना है इस वेबसाइट पे, नंबर को लेने से पहले आपने उसको व्हाट्सएप अकाउंट पे लगा के चेकआउट करना है कि ये नंबर वैलिड है या कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट में जाना है। व्हाट्सएप अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है WA.ME/ और आगे वो नंबर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से करके लिंक बन के आएगा, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि ये नंबर व्हाट्सएप पे पहले अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसा नंबर लेना है जो व्हाट्सएप पे पहले अवेलेबल ना हो। जो नंबर व्हाट्सएप पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा या उस पर किसी का अकाउंट बना हुआ होगा तो उस पर आपको इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, इसीलिए करके फ्रेश नंबर लीजिएगा। ये नंबर फ्रेश है आपके सामने, सिंपल मैं इस नंबर को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर वैलिड है, ओके पे क्लिक कर देते हैं, स्टिल हमें नंबर मिल चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नंबर की जो टाइमिंग है बिल्कुल स्मूथ एंड नॉर्मल चल रही है। आपने वो नंबर चूज़ करना है जिस नंबर की टाइमिंग नॉर्मल चलेगी, उसी का आपको OTP मिलेगा। जिस नंबर की टाइमिंग यहाँ पे 1 आवर का इशू आएगा, उसका आपको कोड नहीं मिल पाएगा और व्हाट्सएप भी नहीं बन पाएगा। सिंपल यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद जाना है आपने दोबारा अपनी वेबसाइट में, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ सेकंड में ही मुझे वेरिफिकेशन OTP पे रिसीव हो चुका है कंबोडिया का नंबर का। लाइव आपको यहाँ पे मैंने डेमो करके दिखा दिया है, कोड को कॉपी कर लिया है, जाके व्हाट्सएप अकाउंट पे सिंपल कोड को जो ही पेस्ट करेंगे आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव हो जाएगा कंबोडिया के नंबर से। दोस्तों, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, चीप है। अगर आपको इस पे अकाउंट बनाना नहीं आ रहा या इसमें बैलेंस ऐड करना नहीं आ रहा, आपको कोई भी वट एवर प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के रिलेटेड, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको इसका प्रॉपर तौर पे सोल्यूशन बता देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंबोडिया के नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट बन चुका है। और मैं एक चीज़ मैंशन करना चाह रहा हूँ कि जो मैं नंबर लेता हूँ वो मैं यूज़ नहीं करता पर्सनली। मेरा व्हाट्सएप का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप उस पर ही कॉन्टैक्ट किया करें। कुछ लोग हैं जो हमारे नाम से स्कैम कर जाते हैं, तो स्कैमर से आप अवेयर रहें, किसी भी स्कैमर को कोई पेमेंट नहीं करें। जो TechPK का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है आपने उस पर ही अपनी पेमेंट डन करनी है। दोस्तों।